Eu vou botar até na beijoada. बॉटल मंगा के दुकान पे से उसका सा स्प्रे भी मंगा के साथ में दुकान से एक बॉटल लाओ और उसका वो भी लेके आओ एक स्प्रे वाला लेके पानी का स्प्रे एक बॉटल एक स्प्रे लेके आ जाओ जल्दी ओ स्प्रे लाने के बाद पूरा खोल के बिठाता हूं पूरी शूटिंग लेना होगी हां पूरी लेना भाई प्लीज उसको बोलने लगा था मेरे झगड़ा के रखो उसको तेजी से झगड़ा लो उसको 40 साल से सता रहा है कमीना
बंधा लो उसको, लाओ जंजीरों से बंधो उसको, जकड़ लो तेज से, जकड़ो उसको और तेज जकड़ो। बंधा लो उसको तेज, इस बंधो उसके हाथों को में जंजीरा डालो। बंधो उसको तेज, इस बंधो उसको जकड़ो, जलाने वाले बुलाओ, जल्दी जलाने की तैयारी करो उसको, जंजीरा डाल के बताओ उसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल, कुम अल-लैल इल्ला क़लील, निस्फ़हु वन्क़ुस मिन्हु क़लील, अऊज़ु बिरब्बिल रतल लिल-क़ुरआन तर्तील, इन्ना सनूक़ ख़ज़ सख़ीर, इन्ना नाशिरु लैल हिया अश-शादु वा ज़ुमख़ल ख़ैर, इन्ना लक फ़िन्नार सबहन तबील, واذكر اسم ربك وتبطل إليه تبطيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو إذ هو وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة وأجر قليلا، إنا لدينا أنكالا وجيما اتقوا سيغوص بما عذابا أليما، يوم ترعب الجبال كانت الجبال غضبا معين. إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول، فعرض فرعون الرسول فاغتنقتم بها، فكيف تتقون لكم يوم يجيء البلد الذي وصفتم به، كان وده مفعولا إن هذه تضرع، إن هذه وما تقدم لأنفسكم من خير تجده عند الله خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إنه الغفور الرحيم. जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो, उसके अंदर से आग लगाओ, तेज जलाओ उसको। वहां को बोला बाटल पकड़ के बैठो हाथ में और पानी थोड़ी थोड़ी देर को कुवा के पिलाने का। जकड़ लो उसको, जेर कर दो उसको, नाला है कोई कमी नहीं को उसको, बहुत बड़े बड़े बात कर रहा हूँ है, जकड़ो उसको तेजी से। चलाओ उसके अंदर तेजी से आग लगाओ, चलाओ उसको और तेजी से आग लगाओ, के हाथों में भी आग लगाओ तेजी से। आगे लो आगे लो, आगे लो,
जलाओ उसके पेट में से आग लगाओ, जलाओ उसके पेट में तेज से आग लगा दो, पता लगाओ। एक नाक में गोली लगाने की। अच्छा ठीक है। पूरा नीचे बैठे मुझे नहीं बोलने दे रहे लोग, ऐसे कैसे अपना बीच में बात मत करो, एक भी सॉरी, झगड़ो उसको, तेज़ी से पकड़ के लाओ, पकड़ो लगाओ उसके अंदर, तेज़ी से आग लगा के लाओ उसको पकड़ के। जलाओ उसको और तेज जलाओ उसको, चला रहे कमी ने, बहुत बड़े बड़े बात कर रहा था, देखा कितनी तेरी औकात यहाँ। तो चला चला और तेज से आ जकड़ लो उसको, तेज जकड़ो उसको और जलाना चालू करो, जलाओ उसके अंदर आग लगाओ तेज से। गिलास हाथ में रखो, गिलास में हाथ रखो, जलाओ उसको और तेज जलाओ उसको। चल बोल, पूरी ताकत से मारा, कर दू पूरा भस्म, चला पूरी ताकत से मारा, और जोर से पूरी ताकत से मारा। बार बार बोले अल्लाह कैमरा फिराते रहना, इधर का कैमरा मार रहा था, ऐसा लग रहा कि पेशेंट अकेला बैठे लाइक आएगी। जकड़ो उसको और तेज जकड़ो, चला और जोर से आ, लगा पूरी ताकत जल्दी, जोर से और जोर से, लगा कितनी देर औकात यहाँ, तो
क्या रे बहुत बड़े बड़े बातें कर रहा था करते सुबह में लंगर में आके लोग क्या कर रहा था उन्हें बोले गद्दी पे हो बता दो बोले लड़के भी टारगेट करते मुझे बुलाने के लिए बहुत दूर से आया बोले शाम में आऊंगा मैंने बोले अभी बोले बस टाइम ही है बोला बुलाओ बोले जकड़ो उसको कमीने ने और तुम गलत दे रही ना शूटिंग म्यूजिक बजती भी कैसी थी बगैर म्यूजिक के लेना था उसे समय में नहीं आते बहुत सारे दबा दी घबराहट में सबको डरा फेंक रही थी वो फेंक रहा था जा रहा था जकड़ो उसको और तेज जकड़ लो उसके हाथा तोड़ देंगे जकड़ लो उसको तेज से हाँ जोर से लगा पूरी ताकत जोर से हाजिर हो और जोर से पूरी ताकत से बता तेरी ताकत दिल में अपनी ताकत बता हाँ दिखा दिखा दिल वो फौज देखने में दीवार खड़ी है सबको पकड़ के ले लेते पकड़ लो इसको गुलाम बनाओ इसको कमी नहीं तुम तेरे के पास देख नजर डाल तेरी सब गुलाम आए मेरे तेरे नहीं हूँ मेरा गुलाम है जकड़ो इसको तेज जकड़ के रखो गौर से देख गौर से सब मेरे गुलाम है कितने हैं तेरे गुलाम जितने भी तुम लेके आओ सबको पकड़ के गुलाम बना देते हैं कितने साल से उसके आंग पे बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया मैंने अच्छा क्या क्या करा जाना दिया लोगों के लेने वाला था बस जान लेने वाला था बहुत ओवर स्मार्ट समझता अपने आप को कितने लोगों की जान लिए ओवर स्मार्ट निकालता फिर अभी ओवर स्मार्ट पना और क्या करा लश्कर फैले मेरे सामने देखता ना तेरी ताकत देखा ना कितनी औकात है तेरी तो एक मिनट में लाके हाजिर करेंगे तेरे सामने मेरे क्यों जब बुला रहा था कहा था 25 साल से नहीं आ रहा था करते ना तो 25 साल के बाद लाए ना तेरे पकड़ के अभी मेरी मर्जी कभी भी 35 साल से नहीं आ रहा 35 साल के बाद लाए ना तेरे 35 मिनट के अंदर पकड़ के आए 35 सेकंड में सुबह मार रहे थे ना तेरे लंगर में कमीने भाग रहा था पूरे लंगर से जान बचा के बड़े बड़े बात करने आते क्या ना लाए उनको देखा नहीं क्या कुछ भी नहीं बहुत मारे थे गुदन जीरा डाल के पैर तोड़ दिया इसका देखा नहीं क्या कुछ भी नहीं करा तू कैसे तोड़ता पैर तेरा पैर तोड़ना देख तो पीछे लंगड़ा बेटा है पैर तोड़ाना उसका देखे नहीं क्या पैर टूटते होंगे चल ये बोल तू करेगा क्या टुकड़े तेरे फिर तेरे हाथों के सब टुकड़े तेरे जला के लगाऊ तेज से आग कैसे करेगा जकड़ो उसको तेज जकड़ो बुलाओ जंजीरा डालने वालों को उसको खूब मारो जंजीरा डाल के उसको तो रो रहा था तो टाइम जब मार रहे थे ना सबने सबको बेवकूफ बनाया एक बोले बनाया बोला आपको आपको फोटो देख देख के बात करके रो रहा था क्यों अंदर में अल्लाह के सामने सब फेरे शैतान
kalampagit akat eh, ang lapag ng nawas eh. Dober ba yan? Sino ata wo? Kabo ata subra mi mata. Dober ba dito? Sare bara. Lo sare bara ko di sare. Tumne galat video le lena, wo video jo. Wo chillari thi. Usi baja diye video ke andar. Wo chillari thi. Wo chillari thi. Ye video wo chale gaye. Wo thodi dal sakte video wasa news pe. Kalam bhai ki taqat kya gaye shaitan. Sorry arjan mein khabra mein maine wo system chat kar. Ro diya na subah pe. Seedha saada wo laga ke lena kya saade wo aaye se. Mat dekh. अल्लाह पाक के शार बहुत आला है अब तू गया बहुत मार पड़ती तुझे अब तू बचेगा नहीं तुम लोग खुद में ट्रेन से फेंक के बता ओके अल्लाह पाक का कर लो वो बचा जाएगा भाई की ये मुंबई वाले शैतान आए से बड़े बड़े बात करते पहले बाद में पांव पकड़ के रोते बैठते फिर है ना वो एक भाई ऐसे बड़े बड़े बात कर रहा था बात में रो रहा था आपको फड़ी देखे रो रहा था मार रहे थे ना उसको बहुत देखो ये बता दो ताकत भी अच्छा अब भी बता अपने अभी तक आया नहीं है अब भी बता ये तो मैं छीना हूं झगड़ा उसको आओ नहीं झगड़ा के रखो हमारा खुदा हमारे साथ है ले लिया हमारी शक्लें हमारा खुदा हमारे साथ तुम लोग को मुंबई जाने देता हूं मैं तुम आधी बात मत करो तुम लोग देखे कोई औकात नहीं उसके बड़े-बड़े बादशाहों को मार के जला दी अल्लाह बचाने बेशक क्या है भिखारी की औकात यहां पे बेशक और आवाज आवाज का फिर रहा की भटकते लोगों को बर्बाद कर रहा 35 साल से लाए ना 35 मिनट में खींच के 35 सेकंड में बाहर मुंबई नहीं जाने ले तुम तेरे औकात है अल्लाह बचाने अब तू जाता क्या बच्चा वापिस फिर कुछ हो करना कर ले अबे तू जाता क्या तू जा ट्रैक बच के बाहर निकल के देख खाली जा सकता है तू कर क्या करता है अबे तू जा नहीं सकता तू पीछे बोल चलो मुंबई नहीं जाएगी समझ ले जरा उसके अंदर तेज से आग लग गई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसका जो होगा वो होगा तुम लोग का जो होगा भी देखें يا أيها الخل سقيل إنها ناشر ضيئ ياشر وضم خلقين إن لك في النهاية صباح طبيل بعد كل اسم ربي وضبط إليه تبطيل رب المشرق والمغرب لا إله إلا قطك هو وكيل واصبر على ما يقولون واحد من الجميع واضرب المكذبين ولنعمة والمقللين لدي أنت أعظم جمدت من ضياه وفضم الله نالما يوم طاح وجفل الزبال كانت من الغرب مهيل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما وصلنا إلى فرعون الرسول فعاد فرعون الرسول فقد نخدم وبيل فكيف لتكون فكيف لتكون إن ربكم يوم يجعل البيت نشي بصم فضل بيح كان وده مفعول إنا حازه قصر إنا حازه Yeah.
अल्लाह का अल्लाह पड़ा है, देख लूंगा दोनों को देखा और इसको भी देख लूंगा, इसकी दो हालत करूंगा ना पूरी दुनिया देख। एक बात ही मत करो उसकी, कोई औकात नहीं बात करने की। मौलाना पहले उन्हें बड़े बड़े तुम बात करेगी मेरे यहाँ पे सब चीजा मारने वाले जाते उसको, एक बात मत करो उसको, मार पड़ दी उसको, बड़े बड़े बात कर रहा हूँ धूल चटा रहे उसको, बता रहे कितनी औकात है उसके, इब्लीस को भी बन के मारते हैं, कोई औकात नहीं उसके इब्लीस की भी। दस वालों को धूल छटा दिया इसकी, लश्कर है भाई फैला इसका, क्या करे, देखना तोड़ दे रहे तेरा पैर, झगड़ो उसके पैर को और तेज झगड़ो, लगाओ उसके अंदर आग। भाई किस साल से लोगों को तकलीफ दे रहा, रे बाप का तेरा रात चल रहा, बताओ उसको धूल चढ़ाओ कमीने को। बताओ उसको पूरा कमजोर करके खत्म करो उसको, हमें हरामी को बाप का रात चल रहा उसके। बैंड घर दिखा दिया हमारे बैंड का, आज करोड़ अरबों की कीमत थी उसकी, बैंड का घर दिखा दिया हमारा, आज करोड़ अरबों की कीमत थी उसकी, कटवा दी लहंगा बोलते हाथ में हमारे, क्यों जरा पूछो ना, बांध और कब बना था, कितने साल पहले बना था उन्हें, देखा ना, या किसी की भी साथ नहीं है मेरे सामने, क्योंकि अल्लाह का कलाम इसके सामने सब है जेर, नालायक बाप का तेरा रात चल रहा है, जलाओ उसको और तेज से। क्या लिख देते उसका जादू चलाते टाइम पे, हाँ क्या पूछा मैं, ये जादू निकलाओ जल्दी कट करके उसको, निकलाओ डाल दे अंदर, जलाओ उसको और तेज जलाओ, सुबह की मार कम पड़ी उसको लंगर में, और मारो उसको जरा ज्यादा,
जलाओ, आओ तेज जलाओ उसको। بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لك أنا لمن قدم له صلوات رب واحد من الناس كل شيء مدد جلاؤ اس کے دونوں ہاتھوں میں اور تیز سے آگ لگاؤ اس کے پیٹ میں بھی آگ لگاؤ جلاؤ اس کو اور تیز جلاؤ دیکھا کیا اوقات ہے تیری دیکھ لیا آئیے کل ٹھکانے کے کاٹ دوں دونوں ہاتھ کاٹ دوں چلو کاٹ لیں گے اس کے دونوں ہاتھ بول کاٹنے کا بھی دے دوں تم بڑے بات کر رہا تھا بول دیکھا आई क्या खल ठिकाने क्या और जकड़ू तेज से क्या रे कमीने आई क्या फल टिकाने को साले तेरा जो बाप है ना जिसकी तू पूजा करता उसको पकड़ कर क्या लाया मैंने मेरे पास में तेरी क्या मिसा तू सोच चल बता क्या लेकर थे जादू चलाते टाइम पे उसका हाँ क्या पूछा मैं क्या चलो वहां डबल से हाँ जल्दी कितने लोग मिले आते उसमें जादू करने में देखा कितने औखाते तेरी तो नाली के कीड़े होशियारियां कर रहे बस चल बता क्या लिख देते जादू चलाते टाइम पे हाँ कितने लोग मिले आले से जल्दी टाइम नहीं मेरे पास मैं जला दूंगा दोनों हाथ तेरे भस्म कर दूंगा पूरे अच्छा ना क्या लिए थे कब लिए थे कपड़ा लेके हाँ 25 साल पहले 20-25 साल पहले औरत ने लिजियत मिल गया था हाँ मिल लिया था औरत ने लिजी इधर से बैठ जाना इधर से शूटिंग वाला हराम ही क्या करता खाली शूटिंग इधर भी पुतले के जैसे लेता उन्हें क्या हमारा घुमा बोले आला है वैसा दिखता है पेशेंट अकेले बैठे आला है रूम में हाँ जी भाई प्लीज
हाँ बोल। औरत ने लिख दी थी अजमीन लिखा था क्या नाम है उसका अच्छा ली जाके किसको दी हिंदू को दी थी मुसलमान के जादूगर को दी हाँ जादूगर कौन सा था वो जल्दी ना काट दूंगा दोनों हाथ तेरे में कहाँ रहती हो हाँ बांग्लादेश क्या बांग्लादेश हाँ है इस साथ में फोटो मिले ला था पड़ोसी थी हमारी हाँ है बांग्लादेश इस साथ फोटो मिले ला था इधर से आठ बड़ों में यासमीन साथ फोटो मिले ला था यासमीन साथ फोटो मिले ला था यासमीन साथ और कौन कौन मिले आला है मैं लगाऊंगा बड़ी फौज लेके आ रहा सारी फौज तेरी पकड़ी गई सबको मार मार के बना देते अब यहाँ के गुलाम हाँ बोल कौन मिला रहा था और उसके साथ मैं बोलता कि चलो उसके हाथ काट के पकड़े जकड़ लूं वहां तो तोड़ने लगा दूं हाँ बिस्मिल्लाह नहीं सुनने जलाओ उसको तेज जलाओ बोलिंगा नहीं बोलिंगा बोलो बोलो मारो उसको हाँ मारो नारो मारो कमीने को उसको तेज से आग लगाओ उसके अंदर बोलो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है चल बोल जलाओ उसको और तेज जलाओ चल हाँ बोल बोलने तो पूरा पसंद कर दूंगा हाँ और कौन मिले आते उसके साथ में उसका भाई निजाम अरे वो कहीं कूदे में हटा उसको हाँ कौन मिले आता उसका भाई निजाम निजाम हाँ और कहीं भी मिला खिलाए थे उन्हें तीनों को तीनों पे भी कर जादू पूरे घर पे किए थे क्या मकसद से कर दे मकसद क्या था इसके अब्बा का कुछ मैटर था लड़कियों के बाप का मैटर था वो क्या दुश्मन थी इसी वो बोल 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 रहा हूँ बोल रहा फौज ने क्या अरे मेरे को क्या रहा फौज तेरी सारी फौज को बाहर झाड़ू मारने लगा तो पकड़ा के अभी मारो उसके फौज को पकड़ के पूरी बाहर कमीने के चल बोल जल्दी क्या दुश्मन थी उसके बाप की उसकी हाँ क्या दुश्मनी थी इनका बाप फिल्म लाइन में था बहुत पैसे कमाता था और इनको की किस्मत बहुत अच्छी थी यास्मीन ने उसका निक्क्या फाल खोली उसको बर्दा ही नहीं हुआ इन दो को अच्छे से जगह पे उसकी शादी होने वाली थी किसकी जगह शादी होने वाली थी हाँ किसकी जगह शादी होने वाली थी जल्दी बोल फाल खोली ना बता चल किसकी जगह शादी होने वाली थी किसके साथ होने वाली थी शादी बहुत गंदा करी उसने इसकी बहन जो सऊदी में रहती है नसरीन वो खुद फंसी रही है उस पे भी करी है बोल जल्दी बोलो काट दो शादी होनी थी बता फाल में बता क्या इसके साथ तूने आई थी शादी क्या निकला था फाल में उसको क्यों बर्बाद किया चल बता हमको तो सब पता है तू बता अभी चल जल्दी बोल काट दो दोनों आता सुनूंगा अगली बात में जल्दी बोल जल्दी बोल कोई जाला वाला आदमी था और नाम ले चल नाम ले चल हमको सब पता है नाम बता चल शांति मत कर बोल तूने उसके जिंदगी साथ भी खेले कमीनो जल्दी बोल बोल तोड़ दूं यहाँ था जल्दी बोल तोड़ो इसके हाथे नाम नहीं बता रहा तोड़ दो चल जल्दी बोल कैसे ना तुम इंदा मेरी बात हाँ जी हाँ जी वही तो बोलिए नाम बता नाम चल जल्दी और जलो मरे ना बाद में सुनूंगा नहीं फिर किसकी पूरे हाथे काट के पसंद करा दूंगा हाँ बोल जल्दी बोल तुम्हारे अपा फिर मस्जिद के पास
इसको पता है ना जब पाल खुलाई कर दो पता है कब फाल खोले थे कितना टाइम पहले 20-25 साल कोई फाल वाल से नहीं मालूम होता झूठे बाता हूँ कमीनी के कान तक रिपोर्ट चले गई थी तो वहाँ कुछ रिश्ता आया मांगा तो उन्होंने चिड़ के जाके जादू करा करी के फाल का हार लेके बोल रहा है कि फाल रहता क्या नाम बोलने दीजिए चल रहे नाम बोल कॉलोनी मस्जिद के पास जब रिश्ता आया था उसको जब पता चल रहा था उसको बड़े घर का रिश्ता कहीं आया था नाम बताया था अभी कि नहीं बताया मौत बहुत बुरी हुई मालूम है उससे हमारा भी लेना था लटके गया उसकी बहन के साथ नाम बताए जिसके साथ शादी होने वाली थी उसका नाम बताया चल टाइम नहीं है हमारे पास हमारे डॉक्टर सबके पास चल बहुत काम है जल्दी कोई था कोई मुझे नाम नहीं आ रहा अच्छा? नाम नहीं आ रहा मेरे को मैंने तो सब बता था चल नाम बोल जल्दी बता खैर उसके खाता याद है मुझे उसके पैर जरा जवाब दे उसके यहां था सब याद है इसको नहीं क्यों नहीं बोल रहा सच बोल रहा इसके अब्बा के साथ में वो छुट्टी में ही गया नहीं था बात भी किया था अपनी जमाई में इसकी जमाई में सब एल्बम देख चुका है वो सलमान खान झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है सच्ची सही में आया था रिश्ता आप प्लीज वीडियो बनाए दीजिए हम बात करेंगे वीडियो कैसे इसके मुझे बोले दीजिए अपने इसका लाइन बोल रहे कमीने पूरा भस्म कर दूंगा सच्ची बोल रहा हूं किसका रिश्ता था उसको ये कोई लड़की का आया था कोई लड़की नाम क्या है नाम बता मालूम नहीं है किसका तो क्या पता है फाल सुनाई नाम बता लड़का कौन था वो अब भी बोलने तो अभी खत्म कर दूंगा पूरा वाह नाम नहीं पता क्या बात है फाल खुला लिए फाल वाल नहीं खुलाए थे उन्होंने असल में क्या हुआ था वो तुम्हारा को रिश्ता आया होगा तो उसको पता चला उन्हें फाल की आड़ लेके जादू टोना कर दी थी तुम्हारे ऊपर नाम फाल वो उन्हें बोल रहा है ना फाल से कहीं दिखता कैसे चुप बात अच्छा अभी क्या क्या हमारी क्या गलती थी इसमें हाँ जल्दी बता क्या डाले क्यों किए किसका रिश्ता आया था कौन था लड़का वो तुम्हारे में से कोई लड़की का रिश्ता आया था किसको आया था किसको किसके साथ जम रहा था उसका रिश्ता बड़ी लड़की के साथ नाम उसका क्या नाम क्या था वो लड़की का जोर से बोल शमीम और लड़का कौन था वो सलमान जोर से बोल सलमान कौन है सलमान क्या काम करता है सुलेमान क्या जॉब का काम करता है क्या करता हूँ काम सेलिब्रिटी है कहाँ रहता वो बैंड्रा में एड्रेस बता हमको नहीं मालूम उसकी मम्मी पापा का नाम क्या है एड्रेस बता देना इतना बता रहा था सही बोल सामान खींच दूंगा पूरी तरीके से उस पे भी गए थे उस पे क्या कर रहे थे उसकी शादी जो लगी जिसे अरे बाप रे और क्या कर रहे थे और क्या कर रहे थे उसका क्या लिख गए थे जादू चलाते टाइम पे हमारे पापा भी ले लेते क्या इसमें इधर से आओ कैमरे चलो हमारे डैडी भी ले लेते क्या उसमें वो फोन में जो के साथ रहते दुट्टे बैठे सलमान खान का शर्ट लेके गए थे पैरों बीच मार दूंगा फोन लिया था उसका शर्ट कहां से मिला था उसका शर्ट उसके भाई को मिला था निजाम को सलमान का शर्ट कहां से मिला था क्या पता गया था वो लेने हमारे डैडी जाते थे सबको लेके जाते थे शूटिंग पे उसके घर पे शूटिंग पे लेके जाते थे हम आपके कॉर्नर पे नहीं शूटिंग अच्छा तो सलमान का शर्ट लिए थे कब लिए थे कितने साल पहले लिए थे 20-25 साल पहले उसको क्यों कह लेगी बोलो सलमान खान की क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उसने क्या बिगाड़ा था सही बोल तमाशा बना दुनिया है सामने शादी न होकर सही बोल तेरी जबान खींच दूंगा हाँ बता जादू कर दे बता जल्दी ना अभी काट के भस्म करो अब्बा के साथ मिलने वाला था वो अब वो प्रॉब्लम क्या थी उनकी क्या की रिश्ता था शूटिंग में मिलने वाला था हाँ वो हमको बुला लेते हैं अब्बा की रेंज पे काम की
कौन सा सलमान इससे पूछो ना बोल रहे कौन सा है वो सलमान क्या काम करता है इससे पूछो क्या काम करता हूँ जल्दी बोल सेलिब्रिटी जोर से बोल सेलिब्रिटी काम क्या करता है जॉब क्या करता है जॉब क्या करता है एक्टर है उसके बाप का नाम सलीम माँ का सलीमा अच्छा उसकी शादी क्यों होने दी उससे क्या दुश्मनी हमारे से हमारी पड़ोसी थी इनकी नहीं थी सलमान की पड़ोसी थे हमारी पड़ोसी थी यास्मीन बंगाली हमारे पड़ोस के थे उसके पापा का नाम भी मोहिदीन थे हमारे पापा का नाम मोहिदीन हमारे घर का यही जैसा था सिर्फ शादी हो रही थी इसकी वजह से उसने ये क्या बात हुई निकाह तो सुनना थे वो होती को रोकने वाली मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि ये लोगों पे करे जादू टोना ठीक है सलमान खान ने क्या बिगाड़ा था हाँ बता सारे बातें सही सही बता दे जलाओ ले आना मेरे को तो पूरा जला दूंगा कोई शूटिंग पे इसके अपन को लेके जाने वाले थे ये बात यास्मीन को बोल दिए थे तो समझी मिलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा और उसके अब्बा वहां से हटने भी वाले थे अच्छा सलमान खान का जो शर्ट ले गए थे वो कौन से कलर का था जब इनके अब्बा की शूटिंग चल रही थी तब कौन सी शूटिंग चल रही कौन सी थी वो कौन सी शूटिंग थी वही क्या था बातें बहुत अच्छा काम किया बेटा जानना भी है तू गलत किया तूने पता किसी को क्या करना तेरे साथ सुलूक तूने उनको मारा अच्छा सलमान खान के साथ क्या कर रहा था सही सही बोल उधर भी जाके परेशान करके आ रहा था हाँ सही बता जल्दी बताओ आग लगूंगा तेजी से हाँ बोल बोल क्या पूछा मैं जवाब जल्दी मेरे पास टाइम नहीं है उसको भी केस में ला रहे थे उसको जेल में बंदी है बहुत अच्छा काम किया वाह अल्लाह तुमको जाना नसीब करेगा जेल कुछ की जेल में बंदी करवाए और तू तकलीफ क्या दे रहे थे उसको तकलीफ क्या दे रहे थे फिजिकली प्रॉब्लम दे रहे थे क्या दे रहे थे फिजिकली क्या कर रहे थे उसको बोल उसको कैंसर की बीमारी दे रहे थे क्या कर रहे थे कैंसर की बीमारी दे रहे थे उसको और क्या कर रहे थे आओ आओ क्या कर रहे थे सही बोल बोल जल्दी बोल मैं पूरा जला दूंगा लड़कियों ने क्या बिगाड़ा था बेचारियों ने उनका खराबा कर दिया पूरा तो कैसा है तुम किसके निके के आड़े में कमीनो पूरा भस्म कर दिए तुम्हारे क्या समझा था तू हाजिर नहीं होता समझा था ला रहा था खींच के 35 सेकंड के अंदर यहाँ पे ये लक कलाम की ताकत है देखा कोई हैसियत नहीं तुम्हारे जादू को उनके लक कलाम के सामने यास्मीन तो हमसे बहुत अच्छी थी हमने क्या की हमारी चढ़ाई तो सारी इन्होंने तो यास्मीन का कुछ नहीं बिगाड़े थे इन्होंने फिर बहुत जल्दी थी वो तू हमारे क्या करती है इसमें वो जल्दी थी हमने तो कुछ यहाँ से बात करते थे खाना ले आते थे एक दूसरे में था मम्मी पापा हमको बचाना चाहते थे यास्मीन फैमिली जैसा था और क्या कर रहे थे और किस किस को मारने वाले थे सही सही बोल छोटी बकरी कैसे मरी ये बहुत प्यार करती थी वो बकरी पहली बार थी उसको बहुत खिलाती पिलाती वो बकरी आज ही सुबह मरी हाँ सुबह मरी वो नन्ही बकरी जो इसको पसंद थी समझो छोड़ो रही कर मुद्दे की बात मेन में पूछो उससे शैतान से तू काम किया तुम्हारे अच्छा मेरी भैंस सऊदी वाली को नाम क्यों लिए इन्होंने इसमें नसरीन का नाम लेते थे वो साथ में क्या है वो नसरीन का
उसका कुछ आती उसको कुछ फंसी भी है उसके ऊपर भी किए क्यों क्या किया पूछो ना क्या किए क्या किया उसने उसको इस्तेमाल किए उदास की शादी हो गई थी कमाल की कृपा मैंने क्या बात हम बोल रहा हूँ सब एक सौ हजार निकले और मेरा काम है हाजिर करना मैं हाजिर करा वो हाजिर होने के बाद जो भी बोल रहा शैतान लायो चल रहा देखो सब वो ही बोल रहा है हम खुद गवाह है हाँ शैतान ही बोल रहा है बेशक पता नहीं सच बोल रहा जो अंदर सलमान खान की ब्लू कलर की शर्ट लेके बोल रहा हूँ उन्हें ये बात तो सच है हम वहाँ पे कौन पिक्चर की शूटिंग के टाइम पे हमारे डैडी थे पूरी फिल्म साथ में काम की और फिल्म के बाद ही फिल्म छोड़े और मस्जिद में जो भी है तो जो भी है शैतान खुद बोल रहा है उसकी जबानी सुन लो सामने हाजिर का हुआ था वो लंगर में मैं जब अभी यहाँ बैठा लंगा में बात कर रहे मैं पढ़ाई के कमरे में था मेरे उधर के तो उधर बाहर जा लोग वेटिंग में रुकते खाना खाते लंगर में वही हाजिर होगा था दोपहर के वक्त दोपहर के बाद हाजिर हुआ तो उसका रोना धोना उसको मार रहे थे पकड़ के सब चल रहा था मौकिला तो उन्होंने शूटिंग लिए उसकी हाजिर होते टाइम पे धिनाने करते हुए मगर उन्होंने वो शूटिंग ऐसी ले लिया उसमें गाना वो क्या म्यूजिक बज तवा ले लिया उन्होंने वो ऐसा स्नैपचैट भी कर दिया था घबराहट में जल्दबाजी में स्नैपचैट का वो टांडव इतना कर रहा था सिंपल कमरे से ले लिया और क्या कर रहे सलमान के घर में और क्या कह जा दोनों घर से थे वो उनकी फैमिली में और फैमिली में भी ब्लेम भी किए थे उन्होंने भाई सुन के क्या बोलते हो कंफ्यूज होगा मैं जो भी है देखो सब लाइव चल रहा सामने उनकी भेंका पूछो उसकी भेंको क्या की अर्पिता जिसके भी शादी हुई उसको भी किए मैंने अर्पिता को क्या करे थे सही बोल चेन्नई से उसको ही किए थे क्यों किया क्या किया सही बोल काट दूंगा पूरा भस्म कर दूंगा उसकी माँ को बीमार कर रहे अभी किसके माँ को किसके इसके हाथ जकड़ लो तेज जकड़ो उसके हाथ तोड़ देंगे जकड़ो उसके हाथ तेज से तोड़ दूंगा हाथ जल्दी बता सही से अर्पिता को क्या करें कुछ नहीं उसका एक्सीडेंट करवा रहे थे एक्सीडेंट करवाने वाले थे उसकी माँ को भी बीमारी है अर्पिता का एक्सीडेंट कब कराने वाले थे अम्बास में पूनम में अम्बास में बाप रे अल्लाह शादी होने वाली है क्यों कर रहे थे उसका एक्सीडेंट वजह दुश्मनी क्योंकि वो देवबन गई थी कहाँ गई थी देवबन देवबन गई बोल के आप एक्सीडेंट कर देते देवबन जाने से क्या अवस्था है सर हाँ छूट जाता रहो कौन छूट जाता सलमान खान कहाँ से छुट जाता कहाँ से छुट जाता छुड़ाई उसको वो अच्छा उसकी माँ को क्यों बीमार क्या नाम है उनकी उसकी माँ का क्या नाम है बोल सलमान जोर से बोल सलमान उनको क्यों बीमार कर रहे बड़ी उन्होंने क्या किया बुजुर्ग है वो तो बोल वो बोलती की शादी कर ले वो नहीं कर रहा है ना वो तो बोलेगी ना उसकी माँ कभी ना तुम्हें बाप का राज चले लेके आओ मजदूर लोग भी छोड़े ले झगड़ो उसको तो झगड़ो सेवे इन्हें कुछ जला के खाक करना चाहिए दुनिया में जीने का हक नहीं है हमारी चीजें लिए क्या क्या पूछे ना उसकी माँ को मारने आते कब मारने वाले बोल उसकी माँ को बीमार कर रहे थे कौन से बीमारी डाले झगड़ो उसको और तेज झगड़ो चल चल जा मुख खोल जा वो तो क्या टांडो पेट की बीमारी दी उसको पेट की बीमारी किसने दी पेट की बीमारी उसकी बात क्यों दी क्यों दी वजह क्या है देने की सही पे ना वो तो वजह क्या थी देने की जल्दी बोलो और लगा दो टेंशन मत वो मर जाए बस क्यों भाई क्यों अरे ऐसा कैसा लोगों का बाप करा था तुम्हारे अल्लाह की बिजाना लेने को हां हमारा क्या क्या चीजें लिए गंदे कपड़े के सिवा सिर्फ गंदा कपड़ा लिए और बाल वगैरह नाखून सब लिए अच्छा अच्छा सलमान खान के वालदा का कुछ ले गए माँ का उसके नहीं कुछ नहीं बहन का अर्पिता का क्या क्या ले गए थे उसने एक्सीडेंट करवा दिया उसका जादू चलाने क्या ले गए थे दुपट्टा वो कहाँ मिला था उसके घर से लिए एक कैमरा थॉमस चेहरे मार उसे घर से घर से लिए थे घर से लिए थे किसके घर से लिए थे अर्पिता के
उसके घर पे कौन गया था? उसके घर पे कौन गया था दुपट्टा चुराने? वो यास्मीन ने कोई भेजी थी। किसको भेजी थी? उसके कोई हाथ की नीचे काम करता उसको भेजी। उसका नाम क्या था? दुपट्टा कितने टाइम कितने साल पहले कब चुराए थे अर्पिता का? बोल जल्दी। कलर कौन सा दुपट्टे का पता चल? उसका कलर कौन सा था दुपट्टे का? और मिला कैसे पहली बार? झगड़ो उसके हाथों को और तेजी झगड़ो। छोड़ो मत उसके हाथों को, नाला के झगड़ के रखो। हाँ चल बोल जल्दी बोल, नहीं तो पूरा खत्म कर दूंगा काट के। बोल अर्पिता का दुपट्टा कौन से कलर का था? अर्पिता है क्या नाम उसका? अर्पिता का दुपट्टा कौन से कलर का लेके चुरा के? वो चलो गया। अरे जा नहीं सकता, लाओ पकड़ के लाओ। खींचने नहीं देते उसको, वापिस लाओ उसको पकड़ के। कैमरा मैन मेरी तरफ देखो, अभी क्या है उनके आंग में जो भी आया था वो बहुत सारे बातों के खुलासे करा, वो अल्लाह वाला मुझे तो नहीं मालूम, मगर उसने वो कुछ सेलिब्रिटीज के कौन कौन लोगों के नाम आले के गा क्या क्या कहते करा, उसका फटक के भागा कि इसके अंदर लाए पता नहीं आया इसके अंदर दूसरा। झगड़ो उसको और तेज झगड़ो उसको। मिस में मार दूं क्या? हम यही इलेंग में थे। बात नहीं करते हैं बीच में, मेरे फोन के पकड़ कोई बात नहीं करता है। ओके सॉरी। नीचे बैठ झगड़ो उसको और तेज झगड़ो उसको। चला पूरी ताकत से बाहर आ जल्दी। जकड़ो उसको और तेज जकड़ लो उसको। इधर लगाऊं ना मैं उनकी दम करा के। चल रे चल पूरी ताकत से हाजिर हो। उसको कैसी मार पड़ी उससे ज्यादा तुझे मार पड़ी है, नाला है। जल्दी आ, सही सही बोल, छोड़ देंगे देखो, सही सही बोल, आ जल्दी और जोर से, हाँ जोर से, हाँ पूरी ताकत से हाजिर हो, जोर से। ये चे बाटल तुम मिला वाली? हाँ जी। चल आ जल्दी जोर से पूरी ताकत से। चला और जोर से, कैमरा की लेना रे हाथ में वो सही तरीके से मारना कैमरे वाले को मुजारा के शैताना देख के। झगड़ो उसको और तेज झगड़ो। चला चल पूरी ताकत से और जोर से लगा, कितनी तेरी पूरी ताकत लगा, जल्दी जल्दी लगा, आग लगा हूं देखते अंदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وبنقص منه قليلا أعوذ بالله من رطل القرآن تعطل إن صنوخ الخضم ساحل إنا ناشئة الله هي أشهد وضم أخوان قيل إن لك بالنهار صباحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو اتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واحد يرد النبي الوطن والمكذبين والنعمة والمخلين لدينا انكار ونعمة موسى يقول تطيم الله بن أليم يوم تارد ابن الزبال تنفذ الغضب عميل إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما تقول نبي عظم وصل بعد في عظم ورسول بعد تقدم وبيل فكيف تتقون ان كفرتم يوم يدل الردان شيء بصم تنبيه كان ودوا مفعولا ان هذه تذكر ان هذه إن ربك يعلم أنك تقوم تنسى 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 تنسى
خوفنا من الرقاب يخضعه والبنى حارج من لم توصف التبليغ فهو رضي من القرآن لما سيكون منكم وآخرون يضربون في سبيل فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله رضي من أقل الصلاة والزكاة وأخذ الله خذ الحصلة وما تقدم لأنفس من خير تجرح عند الله خير وعزم لغزك الغفور الرحيم وطمأ ضد الشياطين على وجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الشياطين يعلمون ما حسس الله شكرا لك چلاؤ اس کے اندر تیزی سے آگ لگاؤ جکڑ لو اس کو اور تیز جکڑو جکڑو اس کو اور تیز جلاؤ اس کو چلا پوری طاقت لگا گیا جلدی جلاؤ اس کو تیزی جلاؤ ہاں زور سے اور زور سے چلا پوری طاقت سے حاضر ہو کتنے سال سے بچی کے آنکھ پہ بول جکڑو اس کو اور تیز جکڑو اس کو پانی دم کرا کے پلاؤ بس ایک گھٹنے میں کرتا چلا اور زور سے چلا اس کے پیٹ میں جکڑ لو اس کو تیز جکڑو جکڑو اس کو اور تیز جکڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم چلا نالا پوری طاقت سے حاضر ہو چل لگا زور کر لگا جکڑو اس کو اور تیز جکڑو اس کو چل رہا صحیح صحیح بولتا کہ اب تک مار پڑانا چالو کرو بول بولو مارنے والوں کو صبح سے مار کے کوٹے اس کے شیطان کو کوٹنے لگو تیگ بھی ہاں جلدی بول کتنے سال سے اس کے آنکھ پہ ہاں کتنے سال سے چلاؤ جکڑ لو تیز جکڑو اس کے اندر سے آگ لگاؤ تیز تھوڑا پڑے تک رکو بٹ پاؤ ہاتھ بند ڈالو ان کا جو ہے تو ان کا دوسرے چکر میں کھینچی ہے وہ یہ آلریڈی اس کے اندر بہت ٹائم ہوگا اور دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں میٹنگ میں رکیا لیکن ان کا انجام تک پہنچا پھر بھی نہ چلو کیا بولے ان کا انجام تک پہنچا ان کو یا میں ساتھ بامبے نہیں جانا چاہیے وہ نہیں وہ ٹینشن کی بات نہیں سب دعا کا پانی پلاؤ کرو اللہ کا وہ جو ہے نا پورا کوئی مسئلہ نہیں اور دوسری بات ان کا جو آیا آنگ میں اور ادھر سے آؤ ادھر آؤ ٹیک ادھر جاؤ سب دیکھو میرا کام جو تھا میں نے خالی اللہ کا کلام پڑھا پڑھ کے پانی پہ دم کرا اتر کی شیشی کہاں ہے تم نے لائے تھے باہر سے سیل تھی ہاں جی پانی کی باٹل کہاں ہے تمہارے اور دوسرا یہ بھی لائے تھے باہر یہ سب انہوں نے لے کے آئے تھے باہر سے اور انہوں نے لا کے پڑھا کے خالی میرا کام ہے پڑھنا پھونکنا دم کرنا اللہ کا کلام اس کے آنکھ میں آیا بچی کے وہ کتنے سال کے بعد آیا پچیس تو انہوں نے آ کے حاضر ہو کے بہت سارے باتیں کرا میں نے تو میرے منہ سے کچھ نہیں بولا اس کے اندر جو حاضر ہوا تھا شیطان وہ شیطان باتیں کر رہا تھا وہ جو بھی تھا تو ان کے تمہارے
वाली सब फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप क्या करते थे? मेकअप आर्टिस्ट, हीरोइन का मेकअप करते थे। अच्छा, तो कौन सी पिक्चर बन रही थी? चड्डा की हीरोइन थी हम आपने एक और लाल पिक्चर की, उसके बाद में वो मस्जिद में बैठे थे दोस्तों, शैतान को ना उसने जाके मार दिया अचानक, और हमारा बैठ रहा घर वैसा बिका दिया ऐसा। और उन्हें ये भी बोल रहा था कि सलमान खान का वो जो भी बोला था मेरे मुंह से तो मैंने कुछ नहीं बोला, वो जो भी है दास्तान वो शैतान ने बोला उसके मुंह से, सुनो जो भी है। तो भाई मैं हमको तो ये बहुत बोलता नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा काम है खाली पढ़ना और पढ़ के दम करना, बाकी वो हाजिर होगा उसके बाद वो कुछ भी बोलेगा वो जाने। अभी वो कौन से पिक्चर के टाइम पे उसका हम आपके कौन लास्ट पिक्चर थी ब्लू शर्ट लेके गए सब बोला उसने, सुने तुम लोगों ने? लेकिन वो पूरा बताते थे रुक क्यों, वो अल्पिता वो वापस खींच लिए ना उसको उधर उन्होंने, तो हम वापस छोड़ देंगे, तो वो जो भी छोड़ेंगे तो छोड़ देते, दो तीन राउंड में पूरा जला के भस्म कर देते ना। अभी तो दुनिया की मार पड़ी ना उसको, देखे नहीं क्या 35 साल में पहली बार हाजिर कर रहे ना उसने, हाजिर तो बहुत जगह वही सब बहुत जगह बताए 20-25 साल सवाल जवाब क्या चलते थे, यही सब बोलता था जो यहाँ बोला उसने हमेशा, बाकी ना मुझसे कुछ एक अल्फाजा निकल मैं जो हाजिर हो ना सिर्फ ऐसी जो होता था बस वो रहता बस, और इनकी आगे बोलता था मेरे मुझे कोई किसने मौलाना आलिम ने बोला जबान था बोलता था हमारा ना हालांकि ना जो भी अल्लाह सब कर देते आगे, क्योंकि ऑलरेडी दो फिर में भी हाजिर हुआ था ना बाहर, उसका बाहर हुआ था तो उसको मार रहे थे, जो मार रहे हैं दिखते हैं अल्लाह के हुक्म से अल्लाह कलाम की ताकत है, उस मार पड़ रही थी तो वो सब क्या क्या बयान कर रहा था, तुम्हारे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है ना क्या क्या चाहिए, मगर इतना है कि इन्होंने क्या कर दिया थोड़ा वो कौन सा चैट स्नैपचैट से जो भी है मैंने तो कुछ बोला नहीं, मेरे मुँह से जो भी है उसके आंग में आया, उसने क्या बोला तुम जाना वो डालना नहीं डालना यूट्यूब पे डालना है, वो यूट्यूब पे मेरा तो जहाँ तक राय है नहीं डालना चाहिए, तुम्हारी क्या राय डालना नहीं डालो तुम्हारी जवाबदारी, मेरा भी होने के बाद डालना अभी मैं डालना अगर डालना है तो फिर मेरे फॉर्म पे सही मार के दो वो बात करने के लिए रहते, तुम्हारे को बात अहम क्या बता रहा हूँ, वो फौज ही गई खड्डे में, वो सवाल नहीं रहता, सवाल ये है यहाँ के पहले बड़े बड़े बातें कर रहा था नहीं कर रहा था, साढ़े बारह बजे बाद में धूल चाटा था, मिलती नहीं चाटा यहाँ पे क्या रहा था, साढ़े बारह बजे बड़े बाद में धूल चाटा नहीं चाटा यहाँ पे, वो बता रहे तुम आपको ठीक है, अल्लाह कलाम की ताकत कितनी है, तो तो ये तो आधे से भाग गया ना वो, उसको तो बोल दिया था केशव बुला लिए ना, कहीं जाता नहीं वो, कहीं जाने नहीं देते, उसको सकलियां डाल के बन के खत्म कर देते, रात के 12 बजे उसको सकलियां गिरते हैं, उसके बाद उसको खत्म कराने की तैयारी करते हैं, क्यों की पूरा तरीका जो रहता तरीके से अमल करना पड़ता, अल्लाह को भी तरीके पसंद है, अल्लाह अगर ऐसा हुक्म देता था एक दिन में सातों जमीन सातों आसमान बन जाते थे, मगर नहीं अल्लाह ने स्टेप बाय स्टेप बनाया वाली हर चीज, हर चीज को काटने के भी तरीके रहते इसके पास, खाली सब लोग बोलते कि तुरता तुरंत इलाज होता तो मेरे पास होता अल्लाह कलाम से, क्योंकि मेरे पास अल्लाह कलाम की ताकत, तुमने भी देखी अल्लाह कलाम पढ़ के दम करा और दम करके तो पढ़ने वाली जबान दिया, वीडियो पहले हमको दिखा दीजिए और फिर हमको डलवाना है वो वीडियो, मैं सहमत हूं, पूरा डाल देंगे ना कोई मसला नहीं, मैं सहमत नहीं हूं, तो तुम साइन मार के डिसाइड करके तो डाल देंगे, मैं भी सहमत हूं, मेरा काम सिर्फ सुनो, मेरा काम सिर्फ इतना रहता है पढ़ना, तुम लोगों पर दुआ पढ़ के दम करना बस, उसके बाद में जो भी है तुमने सब लाइव देखे अपना अपना, पानी की बॉटल तुम ही दुकान से मैं जाके लाया, ये दुकान से नया लेके आए और सिर्फ खोल के डाले अंदर, वो भी सील लगा खाली, मैंने पढ़ा पढ़ के दम करा उसको हाजिर होना पड़ा, और मेरे पढ़ने से पहले जो वहाँ पे भी आके बाहर हाजिर होकर बोला उसको, क्या कैसे ये दोनों को बोला ट्रेस को कुछ नहीं, उसके कहा सुख के धन का सुनकर डर, जब उसको यहाँ मार के पाँव तोड़ रहे तो यहाँ से वहाँ तक नहीं आते मार, और उसको बैठ तो अभी उसको भागने में दो ना, वो भाग गया उसके पास से, कुछ भी नहीं कर सकता, 12 बजे के बाद बंदे थे सकलिया दाल के, इस वास्ते मेरे सारे वीडियो देखना शुरू से आकर तक, भगा के अगर देखे तो तुम आपको नहीं मालूम होता, क्योंकि शुरू से देखे तो तुम बहुत सारे शैताना बोलते, 12 बजे के बाद सकलिया दाल के बन लिए वहाँ पे, और बनने के बाद लश्कर जो है वो भी सब सब था ना, जब उसको उन्हें बुला रहा था उसके लश्कर के लोगों को अंदर को आ रहा था, और फिर आसमिन का वो तो दोबारा करेगी तो उसका क्या करेंगे,
दूसरे राउंड में पूछेंगे, दूसरे राउंड में तुम्हारे अंकल को उसके अंकल को मिला के डबल से ऑलरेडी एक घंटे का बन गया, अभी एक घंटे ज्यादा बन गया, घंटे में डाल सकता है तो दो पैकेट डालना। अब वैसे भी लोग बहुत सारे भूखे वाले बैठे हैं उधर, उधर से बहुत एक दस दस को बुला के लेते हैं, उधर तो हम क्या करें, रहेंगे जाए क्या करें, जाके भी आ सकते हैं, रुक भी सकते, कोई मसला नहीं। अब कल रुके, एक रात रुके, कल दोबारा आप चेक करो ना, रुको ना, रुकने का बंदोबस्त है, खाना का ऐसा नहीं है, तो कल हम नंबर लेते हैं एक किलो का। मेरे मुँह से तुम्हें कुछ नहीं बोला, वो शैतान ने बोला, हम जाना, मेरा क्या है उसमें भाई, तो हम रुके कल और नंबर ले एक और चेक करने के लिए, कुछ काम बजाने पड़ेगा। अच्छा ये भी मैं इनके अंक का निकाला सवाल जवाब कराया, इसके तुम्हारे पैसे लिया क्या मैंने, नहीं 1,70,000 दुनिया को देख के बोलो, नहीं बाबा नहीं पैसे नहीं लिए, बिल्कुल नहीं लिए, उल्टा खाने पीने निजाम है माशाल्लाह, पानी का रहने का सब सेफ्टी बहुत अच्छी है, कोई टेंशन नहीं, खतरा नहीं, सेफ है सब लोग, अच्छे से इलाज हो रहा है माशाल्लाह, अल्लाह बहुत नवाजा और तरक्की अता फरमाए ये काम में। चलो मैं तो क्या बोलते, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा काम है खाली पढ़ना, अल्लाह का कलाम पढ़ के दम करना, रही बात जो है तो शैतान पहले आया, बहुत बड़े बड़े बात करा उसके अंदर, मैं कर देता हूँ तेरी फौज को भी कर देता हूँ, करता हूँ कैसे अल्लाह कलाम से मार पड़ी उसको भी जेर होगा बाद में, ना करे गया तो हम यहाँ रात को रुकते कल दोपहर में आया था, तो क्या बोलता मैं दूसरा है, वो शाम में आऊंगा भी नहीं, बोले ऐसे बोला था, क्या बोल रहा था करते लंगर में नहीं आता बोल रहा था उनके सामने, यहाँ सबको आना शाम में आऊंगा ना, टाइम नहीं है, मैं मेरी गद्दी पे आना, हिम्मत है कैसा मार के हाजिर करे उसको, कैसा खुतबा खुद अल्लाह कलाम के दाखिल, तो दूर से लाए उसको, पूरा दूर से निकाले भगाए उसको, अब वो उन्हें आया तो 12 बजे बाद उसको संदेश डाल के बंद देते, ठीक है, कल एक बार फिर रुकेंगे हम, कल रुकते हैं फिर जो भी है उसने बोला, रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है, लेकिन कल हम लोग रुकते हैं, हमको रिस्क नहीं लेना, हम एक रात और रुकेंगे इंशाल्लाह, और कल और नंबर लेंगे, रिस्क नहीं ले सकते, ओके शुक्रिया, वो बंदे के साथ बहुत लोगों ने उंगली उठाई, आवाज उठाई, पूरी दुनिया देखना चाहिए सब चीजों को, और वे मजबूर है अल्लाह के आगे, किसी कोई गलती नहीं है ना उसकी ना हमारी और ना हमारे डैड की, उसको भी कोई बीमारी लगा बोल रहा था, वो तो सब इसमें मौजूद है, हम ही नहीं बोले, वो शैतान ने आके बोला, रिकॉर्डिंग में सब है देख लो, हाँ जी, और दुनिया के समय में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, अच्छा ये पानी की बोतल लेके जाओ, ये बोतल ले जाओ, ये वाली बोतल ले जाओ, ये भी हाँ वो भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, चलो नेक्स्ट को आवाज लगा, हाँ अंदर आओ, नेक्स्ट चलो आओ, किसका नंबर है,